जमशेदपुर के परसुड़ी क्षेत्र अंतर्गत मखदुमपुर चौक पर घर घर जल मिशन योजना की पाइपलाइन बीच सड़क पर करीब 5 दिनों से फटी हुई है, जिससे लगातार पानी के फव्वारे बीच सड़क पर बह रहे हैं और हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। आने जाने वाले लोगों को इससे काफ़ी समस्या हो रही है। सड़क के किनारे बने नालियों की स्थिति भी बदतर है। नाले जाम होने की वजह से पानी सड़क पर बहता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के सरकारी अधिकारी जनप्रतिनिधि बात नहीं सुनते हैं, जबकि सभी का इसी सड़क से आना जाना है। वहीं मखदुमपुर के रहने वाले रिक्शा चालक मोहम्मद मुबारक ने अपनी रिक्शा रोककर फटे पाइपलाइन में ट्यूब बांधकर उसे दुरुस्त करने का प्रयास किया। इससे फव्वारा तो रुक गया, लेकिन पानी लगातार निकल रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। मैं अभी खड़ा हूँ परसोडी थाना के मखदमपुर चौक पे और यहाँ पर पिछले 5 दिनों से बीच रोड में एक पाइपलाइन जो गई हुई है सरकार की तरफ से, जो पानी के लिए जल विभाग की योजना है घर घर तक पानी पहुँचाना, उसी की पाइपलाइन यहाँ से रोड से गई हुई है और इसके वजह से यहाँ पर 5 दिनों से ये पानी बह रहा है, लगातार ये पानी बह रहा है और इसकी वजह से देखिए पूरा का पूरा रोड जो है वो जलमग्न हो चुका है। ये परसोडी मेन रोड है जो परसुड़ी से स्टेशन को शहरी क्षेत्र को जोड़ता है, हजारों लोगों का आवागमन होता है यहाँ पर और इस तरह की ये दुर्दशा है इस रोड की और यहाँ के लोगों की, यहाँ की मूर्तियाँ जो है यहाँ के जो लोग हैं बताते हैं कि यहाँ की मुखिया को भी पता है कि यहाँ पाइपलाइन फटा हुआ है, लेकिन इस क्षेत्र के मुखिया भी अपना कोई कार्य ढंग से नहीं करते हैं। यहाँ जल विभाग के जो अधिकारी हैं, जो जल विभाग के काम करने वाले लोग हैं, वो भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हालात ये हैं कि आने जाने वाले लोगों को यहाँ समस्या होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीर है कि पाइप देखिए किस तरह से पाइप फटा हुआ है और लोगों को कितनी समस्या हो रही है। आए दिन यहाँ पर अभी जाम लग रहा है, कारण है यहाँ पर आने जाने वाले लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एडवोकेट हैं, आइए उनसे बात करते हैं। स्थानीय निवासी हैं यहाँ के और एडवोकेट हैं, आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं क्या चीज़ ये समस्या की वजह क्या है, क्या कारण है। क्या नाम हुआ सर आपका? नया पांडे। तो सर ये जो पानी बीच रोड में बह रहा है ये पिछले 5 दिनों से बह रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? आप तो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। देखिए ये समस्या आज की नहीं है, जब से घर घर जल मिशन के साथ हमारी सरकार हर घर में जल देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और स्थानीय विधायक और हम लोगों ने सब मिलकर श्री मंगल कालिंदी जी के साथ हम लोगों ने मिलकर यहाँ से लेकर रहारपुड़ा हमने घूम घूम कर हम लोगों ने एक एक पाइप को दिन मरम्मत कराया था और विगत 3 माह पूर्व मैंने माननीय पेयजल मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर जी से उनके आवासीय कार्यालय पर मुलाकात भी की और सारी समस्याओं से अवगत भी कराया था, जिसके उपरांत दूसरे ही दिन माननीय मंत्री जमशेदपुर के लिए रवाना हुए, जमशेदपुर आकर उन्होंने गोविंदपुर जलापूर्ति योजना का पूर्ण रूप से समीक्षा की और अधिकारियों को फटकारा भी और त्वरित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया। यहाँ से लोगों के सुख दुख में भागीदारी नहीं शामिल किया, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए कहते हैं जल ही कल है, लेकिन जो स्थिति अभी हमें यहाँ देखने को मिल रही है इसे देखकर यही लगता है कि सरकार की नज़र में ये मुहावरा सही नहीं है। ये कहना कि जल ही कल है, यहाँ हज़ारों लीटर जल रोज़ फ्री में बह रहा है और इसे देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से और से भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्या है। आइए यहाँ की एक स्थानीय महिला हैं, उनसे बात करते हैं। उनकी दुकान है जस्ट रोड के सामने में, आइए पूछते हैं। जाना हुआ मैडम आपका? तो मैडम ये कब से ये पाइपलाइन फटा हुआ है? सर ये पिछले 1 महीना से ऐसी पानी बह रहा था, लेकिन ये ज़्यादा फटा हुआ पानी ना आती 5-6 दिन से ऐसे दिख रहे, नहीं तो ऐसे ही थोड़ा कम फटा हुआ था पर रोड में पूरा का पूरा पानी ऐसे बहते रहता है। अच्छा, तो ये पहले से ही पानी यहाँ पर से रोड में नाले जो नाला यहाँ पर बना हुआ है वो नाला में कचरा फंसा हुआ है जिसकी वजह से रोड पे पानी बहता है? रोज बहता है, कम से कम 1.5 महीना से ऐसे ही बह रहा है। यहाँ की मुखिया वगैरह या यहाँ के जो नगर निगम में काम करने वाले लोग हैं, ये जिसका काम है
और कम से कम दुकानदार लोग सब मिल करके 1400 रुपया यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। कौन देनी तो मुखिया पार होते हैं यहाँ से, कहाँ देखते हैं, देखने के बावजूद भी तेरी के यहाँ पर नाली की भी समस्या है। नाली में कचरा जाम हो जाने की वजह से नाले का पानी जो है वो सड़क पर बहता है। अभी पाइपलाइन टूटे 5 दिन हुआ है, लेकिन ये रोड पहले से भी जलमग्न रही है, क्योंकि नाली का कचरा जो है नाली में फंसा हुआ है और उसके पानी पूरा रोड पर बहता रहता है। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है और ये पूरी की पूरी सड़क जो है पूरी तरह से आगे देखिए नाली टूटी हुई होने की वजह से, नाली में कचरा फंसा होने की वजह से पूरा का पूरा पानी सड़क पर बहता है, लेकिन यहाँ देखने वाला कोई नहीं। देखिए ये परसोड़ी मेन रोड है, यहाँ से हज़ारों गाड़ियों का हज़ारों लोगों का आवागमन डेली होता है। ये रेलवे फाटक बना हुआ है और यहाँ की समस्या देखिए, ये नाली जो है जाम, जहाँ कचरा भरा हुआ है जिसकी वजह से पूरा का पूरा पानी सड़क पर बहता है। ये मुखिया जी यहाँ पर से रोज़ पार होते हैं, मुखिया जी का आवागमन इसी सड़क से होता है, तो वो रोज़ ये सब देखते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। ये स्थिति है हमारे झारखंड के एक शहरी क्षेत्र की, जमशेदपुर से ये बहुत ही सटा हुआ है, यहाँ पे 2 किलोमीटर की दूरी पर टाटा नगर रेलवे स्टेशन, इसलिए ये शहरी क्षेत्र में आता है, हज़ारों लोग यहाँ से आना जाना करते हैं, लेकिन इसकी स्थिति बद से बदतर है। झारखंड टाइम्स से मैं हूं शहजादा खान अपने सहयोगी अफरोज मलिक के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।